वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ प्रियंका। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और वीडियो जो है मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अभी बाहर लेके आ रही हूँ, जब बोलना जाओ जाओ बाहर लेके आ रही हूँ, फिर बोलना। अपनी अपनी पोएम रेडी कर लो, पोएम सुनवाऊंगी। अच्छा चलो। और पता है कल ही मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि गर्मी नहीं है, और आज सुबह का टाइम है और ये पसीने देख लो, इतनी भयंकर वाली गर्मी उमस हो गई है ना। आज ही, आज डेट क्या है, डेट मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हाँ आज डे है संडे। तो आज इतनी तेज गर्मी हो रही है मेरे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको क्या बताई थी कि मुझे आज आप लोगों से ना एक बहुत ज़रूरी मतलब बात करनी है। वैसे देखा जाए तो वो किसी एक स्पेशल पर्सन के कहने पे ही मैं करने वाली हूँ, लेकिन भगवान ना करे ऐसा कभी भी किसी के जीवन में वो दिन आए। लेकिन जब कहते हैं ना समय खराब होता है तो पता नहीं चलता इंसान की बुद्धि कैसे फिर जाती है और समझ नहीं आता कैसे क्या होता है। अपने आप जो है ना चीज़ें होती ही चली जाती है, ना चाहते हुए भी इंसान उनमें फंसता चला जाता है, करता चला जाता है। वो सब समय का फेर होता है। इंसान कभी अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान का समय खराब होता है वो उसे बुरा बना देता है, और वही समय जब अच्छा आता है तो उसको बहुत सारी अच्छाई देकर चला जाता है। तो बातें अभी लंबी नहीं करती हूँ क्योंकि अभी जो है ना मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, ये पूजा करने गए हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, हाय हेलो कर लेती हूँ आप लोगों से, उसके बाद ही मैं आपसे बैठ के आराम से तसल्ली से बात करूंगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको बताऊँ, आज मैं रेडी करने वाली हूँ उपमा। पोहा और उपमा दो ऑप्शन थे मेरे पास, क्योंकि आज इन्होंने बोला था बहुत हल्का सा कुछ बनाना है। तो अब पोहा भिगोने में लगता है ना 10-15 मिनट को टाइम देना ही चाहिए पोहे को, तभी अच्छा बन पाता है। तो पोहा मैं किसी दिन और शेयर करूंगी, क्योंकि ये दोनों रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई थी। एक्चुअली मैं उनका नाम भूल गई हूँ, लेकिन वो हैदराबाद से शायद मुझे देखती हैं। उन्होंने मुझे बोला था प्लीज़ आप पोहे और उपमा दोनों की अच्छे से रेसिपी शेयर करना कि आप किस तरीके से बनाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चम्मच तेल डालने के बाद ना मूंगफली डाल दिया है। ये मूंगफली जो मेरी कच्ची वाली है, छिली छिलाई वाली मूंगफली, ये कच्ची वाली मैं लेके आ जाती हूँ। पैकेट मिलता है तो पैकेट ले आती हूँ, नहीं पैकेट मिलता है तो फिर खुली में भी मिल जाती है ये आपको परचून की दुकान पर। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं डिटेल में बता रही हूँ आज, क्योंकि फिर कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि आपकी मूंगफली कैसी है। तो ये जब तक लाल हो जाएगी ना तब तक मैं इनको भून लूँगी, जलाना नहीं है, बस आपको लाल लाल सी कर लेना है ताकि इनके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और भूनने के बाद आप इनको अलग से एक प्लेट में निकाल लेना, क्योंकि ये हमारे ना लास्ट में डेकोरेशन के काम में आएगी। तो उसके बाद सेम वही तेल रहेगा, इसमें तेल और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूंगफली ना भूनते टाइम बिल्कुल भी तेल नहीं पीती, बिल्कुल भी। जितना तेल आप डालते हो ना आपको वही यूँ का यूँ बचा का बचा मिल जाता है। और छोंक लगा दिया है, फिर मैंने इसमें राई का, राई हो या फिर वो काली सरसों आती है ना मोटी, राई से जो थोड़ी मोटा दाना होता है वो ले लो। और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, और प्याज को मैंने बारीक से थोड़ा मोटा काटा है, मतलब लंबा लंबा स्लाइसेस में भी नहीं करा है और बिल्कुल बारीक भी नहीं चॉप करा है। एक प्याज लिया मैंने ये, और प्याज को अब भून लूँगी इसी तेल में। और ये पता है नाश्ता बहुत हल्का सा हो जाता है, और निश्चय का फेवरेट भी है ये। मैंने आपको कई बार बताया कि निश्चय के लिए उपमा बनाती हूँ, तभी उन्होंने मुझे बोला था कि आप एक बार शेयर करना अच्छे तरीके से कि निश्चय का उपमा आप कैसे रेडी करते हो। तो हम तो सभी खा लेते हैं, निश्चय का कोई नाम नहीं है। तो यहाँ पर ये कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, कड़ी पत्ते के साथ ही मैंने बारीक लंबी काट के हरी मिर्ची डाल दी है, क्योंकि लंबी काटने से ये हो जाता है। फिर मैं इनको ना अलग निकाल लूँगी, निश्चय की प्लेट में नहीं जाने दूँगी मतलब। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक टमाटर छील के, और उसको काट के डाल दिया है, नॉर्मल सा ही काटा है टमाटर को भी, जैसा कि हम अपनी सब्जी वगैरह में डालने के लिए काटते हैं। और फिर मसाले में मैंने डाला है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। आप यहाँ पे चाहो ना तो लाल मिर्ची को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, मेरी ये सिर्फ कलर वाली मिर्ची है, क्योंकि मसालदानी में ना एकदम से हल्दी ख़त्म हो रखी थी मैं, वरना इसमें ना चुटकी भर हल्दी डालती हूँ जिससे कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन मैं थोड़ा मतलब आलस मान गई एकदम से, क्योंकि साथ साथ में फिर मैं दूसरी साइड में और भी काम कर रही थी, तो मुझे लगा चलो मिर्ची डाल देती हूँ आज थोड़ी सी, उसी से कलर आ जाएगा। कश्मीरी वाली लाल मिर्च डाल के मसाले को थोड़ी देर के लिए भुना है, बस ये भी नहीं है कि बिल्कुल तेल छोड़ दिया मसाले ने जब तक, हाँ बस थोड़ी ही देर भुना है। और उसके बाद मैंने भुनी हुई सूजी ऐड कर दिया इसमें एक कटोरी। तो एक कटोरी आप ये समझो कि हम सब के लिए ना बहुत होता है सुबह सुबह हल्के नाश्ते के लिए, एक कटोरी रवा, और रवा जो है ना मोटे वाला है। और बस रवा को इसमें मसाले में मिक्स करके, और फिर आपको निवाया सा पानी ले लेना है, निवाया लो गर्म लो जैसा भी, और फिर सूजी में डालते चले जाना है और मिक्स करते चले जाना है। सूजी बहुत ज़्यादा फूलती है इसलिए एकदम से तो मैं बहुत सारा पानी नहीं डालती हूँ, एक मग ये पानी का डाल दिया था मैंने, एक गिलास से ज़्यादा पानी आता है इसमें। और फिर धीरे 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 करके आप ये समझो आधा मग्गा और कम से कम डल गया होगा,
और बस यहाँ पे ये रेडी है। एक कटोरी में इस निश्चय के लिए मैं इस तरह ज़रूर सेट करती हूँ, क्योंकि निश्चय को ये इसी चीज़ की वजह से ज़्यादा पसंद है कि मम्मा वो कटोरी वाला बनाना मेरे लिए, और मूंगफली जो हमने भुनी थी वो, और जो मलाई सेव आती है ना बारीक वाली, उससे मैंने ये डेकोरेट कर दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग जाए ये बात, लेकिन बहुत सारे लोग एग्री भी कर सकते हैं मेरी बात से, क्योंकि यहाँ पे बात ना इसलिए करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक आप में से ही कोई मेरे व्यूवर हैं, और सॉरी मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, और मैं उन्हें भी यही बोलूँगी कि आप अपना कमेंट बेशक चाहो तो डिलीट कर सकते हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आपने मेरी कौन सी वीडियो पे ये कमेंट किया था। तो बात ये है कि उन्होंने कमेंट किया था, एक्चुअली उन्होंने ये भी लिख दिया था कि वो मेरे लिए नहीं है, वो उनकी फ्रेंड का मैटर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, तो मुझे लगा शायद कुछ थोड़ा सीरियस टाइप का मैटर है। तो अगर मेरी वजह से अगर किसी के मन को तसल्ली मिलती है, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि अगर हस्बैंड शादी के बाद भी गलत रास्ते पे चले और बिल्कुल मतलब आपका साथ ना दे, मतलब बाहर किसी और लड़की के साथ ही चले, तो फिर आप क्या करोगे। देखो एक साथ देना कि भाई अपनी फैमिली की तरफ बोलते हैं, ये सब चीज़ें हर घर में चलती हैं और हर किसी की लाइफ में आप में से कभी ना कभी हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप बहुत लकी हो, लेकिन मोस्टली घरों में ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि अगर वो शादी के बाद भी किसी और के ही पीछे पड़े हुए हैं तो उस लड़की को क्या करना चाहिए। जो मेरा मानना है मैं वो बता रही हूँ, मैं आप में से मतलब अगर कोई मुझे बोलने वाला है कि आप इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो, तो डियर मैं आपकी बिल्कुल बिल्कुल आपके मन की बातें नहीं कर रही हूँ, जो मेरा मानना है मैं वो बातें कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि लड़के को ये समझना चाहिए, हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि भाई जब तुम्हें बाहर यही सब करना था तो सबसे पहली बात तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी। मान अगर तुम उस लड़की से भी नहीं कर सकते थे तो तुम्हें इस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब करने का कोई अधिकार नहीं था कोई भी। और अगर मान लिया तुमने शादी कर ली तो अब तुम्हें उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए था। मैं ये चाहती हूँ कि जो जिसके लिए आपने ये वीडियो में मेरे से बात करने के लिए बोला, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर शादी कर भी लिया अपने घर वालों के प्रेशर में आके या खुद की मर्जी से जैसे भी आपने शादी कर ली है, तो अब आप गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो अब आप, क्योंकि अगर शादी को 2-4 साल हो चुके हैं तो आपका बच्चा भी होगा, आपका परिवार बन चुका है बिल्कुल पूरा, आप उस परिवार को ख़त्म करने के रास्ते पर चल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर वो लड़की कोई मतलब मेरा वीडियो देख रही है तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहन आप समझो, जो इंसान अपने परिवार का नहीं है वो आपका कैसे सगा हो सकता है, आप ही बताओ। जो इंसान जिसके साथ घर वालों ने रिश्ता कर दिया, शादी कर दी, जो उसका खून है, जो उसका बच्चा पैदा हो गया, वो उसका सगा नहीं है तो वो किसका सगा हो सकता है। और अगर फिर भी उससे गलती हो गई है किसी तरह से, तो सबसे पहली बात तो मैं देखो यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है मेरी बात बन सकती है, मैटर यहीं पर ख़त्म हो सकता है, सुलझ सकता है, वैसे तो मुझे लगता है कि बात थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होगी इसीलिए उन्होंने मतलब मुझसे शेयर करी, वरना फिर कोई ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता, सब आपस में ही डिस्कशन करने की सोचते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड को ही अपने सामने बिठाइएगा और उनसे डायरेक्ट बात कीजिए कि मतलब यही बात है यार, आप भी खुद समझदार हो, शादीशुदा हो, एक एक वर्ड तो मैं आपको बोल के बता नहीं पाऊंगी कि भाई अपना परिवार बन चुका है, अगर तुम्हें ऐसा करना था तो तुम शादी से पहले करते, तुम शादी ही ना करते, तुम बच्चा किस लिए मतलब तुमने पैदा किया अगर तुम्हें यही सब करना था तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है आप एक बार उन्हें माफ़ कर चुकी हैं, दो बार उन्हें माफ़ कर चुकी हैं, तो यही बोलूँगी कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, फिर आपको घर वालों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी ही चाहिए। सबसे पहले तो आपको करनी चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ, मतलब कि अपने इन लॉज के साथ, अगर आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इन लॉज नहीं आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट करें ना करें लेकिन फिर भी आप एक बार उनको बता देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको शेयर करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों को। हालात भी देखे जाते हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इन चीज़ों में। मैं चाहती दिल से यही हूँ कि भगवान करे आपका घर बस जाए और बिल्कुल उनमें बुद्धि आ जाए, अकल आ जाए। मैंने खुद ऐसे एक दो केसेस देखे हैं जिनमें शादी के 5-6 साल बाद तक लोग मतलब जो आदमी है वो बाहर गंदगी फैलाते रहते हैं और फिर भी मतलब हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग दिखावा करने लग जाते हैं, कुछ का सच में बस जाता है, कुछ में लड़की को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि हाँ भाई मुझे तो अब इसी के साथ मतलब काटनी है, तो वो ज़िंदगी ना काटने वाली ही रह जाती है, फिर वो दम नहीं होता। और चाहे फिर आप उसको कितना भी शो कर लो, वो जो
मतलब एक समझदार इंसान की जो पकड़ होती है ना, वो उसे पकड़ ही जाता है कि ये रिलेशन झूठा है, कहीं ना कहीं इस रिलेशन में दरार है, वो सब चीज़ें दिख जाती हैं आप में। तो बस यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने इन लॉज के साथ, और सेकंड फिर आप शेयर कीजिए अपने मायके में अपने घर वालों के साथ। अगर इन लॉज के साथ शेयर करने से बात बन जाती है तो वो सबसे बेस्ट है, और इन लॉज के साथ भी बाद में ही शेयर करना, पहले अपने हस्बैंड को बिठा के बात करना, उनको समझाने की कोशिश करो। वो आपके ऊपर बीत रही है ना, वो आप ही जान सकते हो, क्योंकि एक कहावत भी है कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। तो इस मैटर पे बहुत ज़्यादा बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो बस आशा करती हूँ कि आप मुझे जल्दी से कमेंट करोगे कि प्रियंका सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, घर भी बस गया और वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हम दोनों खुश हैं। तो जल्दी से फटाफट से ये मुझे खुशखबरी देना जब भी आपका मैटर सॉल्व हो जाए, और कोशिश करना उसे सॉल्व करने की, क्योंकि रिश्ता बनाते बनाते पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा आपका, 1 मिनट। पानी हो गया पाइप में, एक तो घबरा रहे रह दियो पाइप में, लो उसको बैठ के रखी था मुंह बना। अरे नाली क्यों बढ़ रहे हो, ये इधर ऊपर पड़ी हो, इधर ही पड़ी है, इधर ही बता रहे हैं। ओ ये तो दो बार गिर लिया यार। अच्छा तो देख 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 ड्रम में नाक देख लो इसका, ठीक है गंदी बदबू आ रही है ना, चढ़ा रहा देखो ना। तो ये टाइम ना हमारा मतलब बिल्कुल फ्री वाला टाइम होता है, आप सबका भी ऐसा ही होता होगा ये टाइम, जब तक खाने वाने की तैयारी ना करो शाम को, तो फिर ये टाइम ऐसे ही चलता रहता है अपना, कुछ भी करो एक्स्ट्रा के काम धाम जो होते हैं। तो यहाँ पे ये हाथ दिख रहा है ना आपको, ये बैठे हैं निश्चय के पापा, लेटे हुए हैं बैठे क्या हैं, और वही सेम बात, इन्होंने टी शर्ट नहीं डाली हुई थी तो फिर मैंने कैमरा इस एंगल से लगाया कि दिखे ही ना। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है कुछ सामान, ये 2-3 दिन तक तो है ना मैंने बाहर वाले बाथरूम में छोड़ दिया था, मतलब कोरियर आया था ये, तो फिर ऑनलाइन जब भी कुछ मंगाती हूँ तो एकदम से उसको खोलती नहीं हूँ, क्योंकि देखो एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, क्योंकि आपको पता ही है हम लेडीज़ की आदत होती है, कुछ भी सामान क्या कपड़े क्या कुछ भी आए तो फटाफट से उसको देख लेना, जब तक मन ना भरे तब तक उसको देखते ही रहना। लेकिन अभी कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही हैं कि उनको थोड़ा नज़र में रखना पड़ता है, तो बस उसके बाद मैंने ये सामान अंदर रख दिया है सैनिटाइज़ करने के बाद। और यहाँ पर फिर
निश्चय, ये निश्चय के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ अभी, क्योंकि बाकी सारे कपड़े आप अंदर वाला सोफ़ा देख रहे हो ना भरा पड़ा है, उनको अभी मेरे को पूरा अच्छे तरीके से सेट करना है। और बीच बीच में ना सब्जी भी छोक दी है मैंने, क्योंकि आप देख रहे हो अंदर की लाइट ऑन दिख रही होगी आपको किचन की, तो सब्जी ही छोक रखी है। और पता है मैं क्या करती हूँ, जब भी सब्जी वगैरह छोकती हूँ या कोई ऐसा काम गैस पर रख देती हूँ ना दूध का सब्जी का, तो फिर मैं ज़रूर लाइट ऑन करके छोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे से ना गलती हो जाती है। मैं लाइट ऑफ़ कर दूँ तो गलती गलती से कई बार दरवाज़ा भी ढाल दूँगी और बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, मतलब किचन में कुछ रखा हुआ है सामान। तो इसलिए मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पर साक्षी आई थी नेल कटर लेने के लिए, नेल्स कट करने हैं, मम्मी को बाहर बैठी हुई हैं। निश्चय के भी काटूंगी मैं, देखती हूँ निश्चय पकड़ में आएगा तो। निश्चय को पता नहीं क्यों नेल्स कटवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, हाथों के तो कटवा लेगा लेकिन पैरों के कटवाना तो पता नहीं क्यों नहीं इसे अच्छा लगता। और यहाँ पे मैं अंदर आई ना तो मैंने देखा कि ये ना शाम के टाइम तीन जने मिलके खेलते हैं, निश्चय और ये वंशु, इसके ताऊ का लड़का और एक है गली का लड़का है, मतलब निश्चय का फ्रेंड है, गली पड़ोस का ही है वो, ये तीनों। और अंदर आके पता नहीं तीनों ने क्या शैतानी की, ये जो होता है ना खुजली करने वाला ये तोड़ दिया इन्होंने पूरा पंजा सा। और अभी मैंने इसको जोड़ने की कोशिश करी है लेकिन जुड़ा नहीं है, फेविकॉल वगैरह से चिपकाना पड़ेगा। और यहाँ पर बस अभी सोफ़े का कवर सेट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे जब अंदर थे तो ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ घर में उदमस्त ना उतरे तो चलो फिर ठीक है, अभी मैं आपसे मिलती हूँ बाद में खाना वाना बनाने के बाद। कभी कभी ना मतलब क्या हो जाता है मुझे खुद समझ नहीं आता, मैं अच्छी खासी थी और अभी टाइम मैं बताऊँ आपको 9:05 का हो गया है, शाम को इनसे ही मैंने चाय बनवाई, क्यों पता नहीं हो क्या गया एकदम से ही अजीब सा हो गया, मतलब जैसे तो है ना पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, और अब शरीर में तो कहीं पे भी दर्द नहीं है, चाय पी के मैं थोड़ा ठीक हो गई थी, और अब ना मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है इतने हिस्से में, सिर्फ जहाँ पे ये फिंगर है ना सिर्फ इतने हिस्से में, पता नहीं क्यों मेरे इतने हिस्से में दर्द हो रहा है। और मतलब ऐसे वाला दर्द नहीं है भयंकर कि मैं पड़ जाऊँ मैं लेट जाऊँ और भाई कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे ना क्या बोलते हैं उसको चबक सी मतलब उठ रही है बीच बीच में, जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का दर्द होता है आधे से सिर में यहाँ यहाँ पे। चलिए फिर यहीं से एंड कर देती हूँ आज के इस वीडियो को, और मैं आपसे मिलूंगी कल। मुझे लगा कि चलो मैं अंदर लेट के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बल्कि निश्चय के पापा ने ना बाहर कूलर निकाल रखा है कि गर्मी अंदर ज़्यादा है, बाहर निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए कूलर, शाम को ही निकाल दिया था कि बैठेंगे इतने, क्योंकि आपको पता है रात तक जब तक काम वाम होता है ना तो फिर ये सब बाहर ही बैठ जाते हैं या फिर छत पे, तो नहीं हो रहा पता नहीं क्यों यहाँ पे अजीब सा ही हो रहा है। तो चलिए फिर अब मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।